नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त की खबर आ रही है बरेली के डीएम ऑफिस से, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने आज डीएम ऑफिस पर आकर अपना मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें क्षत्रिय समाज व महाराणा प्रताप के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसमें आक्रोशित होकर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने डीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। मैं धर्मवीर सिंह, एडवोकेट, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष और हमारी पूरी टीम। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। एक मध्य प्रदेश में है आपके रामप्रीत गुर्जर, जो अपने आप को किसी संगठन का अध्यक्ष या पदाधिकारी बताते हैं, वो हमारे क्षत्रिय समाज को अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं उस वीडियो में। और हमारे जो भी महापुरुष हैं, महाप्रताप या अन्य, उनके लिए अंग्रेजों का गुलाम और इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने उस वीडियो में हमारे समाज को ऐलानिया धमकियां तक दी हैं कि ऐसे उस कृत्य को और ऐसे उनके द्वारा किए जा रही घटना के लिए हम सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय के लिए द्वारा आपके जिलाधिकारी ज्ञापन दिया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये ऐसी मानसिकता हम लोगों की, एक समाज जो केवल शांतिपूर्वक समाज चल रहा है, किसी प्रकार से कोई प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखता है, उस समाज को केवल ओछी राजनीति में कुछ अपने मुकाम पाने के लिए, अपना नाम और पहचान बनाने के लिए एक समाज को जानबूझकर गालियां दी जा रही हैं, ये समाज, ये क्षत्रिय समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमें उनके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। महासभा का संरक्षक हूँ। जिस तरीके से हमारे ये जिलाध्यक्ष जी ने बताया था, इससे पहले मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने आरक्षण के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उस पर क्षत्रिय समाज ही नहीं, सवर्ण समाज थोड़ा आक्रोशित है। हम समाज में समरसता के हमेशा मतलब पक्षधर रहे हैं और हम समाज में समरसता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग जिन्होंने इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के संरक्षण के लिए, इस देश में जब आक्रांताओं ने तरह तरह के अत्याचार किए, उस समय घास की रोटियां महाराणा प्रताप ने खाई, 16,000 रानियों के साथ पद्मावती ने जौहर किया, उस समाज को आप इस तरीके से भद्दी गालियां दे रहे हैं और इस तरीके से उसको अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात अच्छी तरीके से मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, हमारी क्षत्रिय महात्मा अखिल भारतीय क्षत्रिय महात्मा बरेली नहीं, बल्कि प्रदेश के आज हम लोग चूँकि अटेंडम में कितने हुए हैं, एक एक 100-100 के लिए बहुत भारी है। और अगर इस तरीके से आगे भी कोई किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति, अरे आप महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ क्षत्रियों के लिए नहीं खाई थी, पृथ्वीराज चौहान ने क्षत्रियों की आस्था का संरक्षण नहीं किया, सर्व समाज के संरक्षक रहे हैं, सर्व समाज की असमता का संरक्षण हम लोगों ने किया है, क्षत्रियों के लिए नहीं लड़े हैं हम लोग, हम सर्व समाज के, जब आक्रांताओं ने बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, उस समय रानी माधव उसने पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ किया था उन्होंने, तो क्या क्षत्रियों की असमता के लिए किया था, सर्व समाज के लिए किया था। और आज भी हम लोग सर्व समाज के संरक्षण के लिए पक्षधर रहे हैं, लेकिन अगर टारगेट क्षत्रियों को किया गया या क्षत्रिय समाज को किया गया, तो क्षत्रिय समाज जब भी हमने पंख फैलाए हैं उड़ानों के लिए और हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए, ये इतिहास गवाह है। और आप देख लें और आप इतिहास पढ़ के देखें। और आज हम आपके माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप आज अपने ये सीधी बात या आपका जो स्वाभिमान जो भी आपकी जो चैनल है वो आप लोग इसको देखें। मीडिया भी फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका ये दायित्व बनता है कि समाज में समरसता कैसे कायम हो। तो आप लोगों की ये दायित्व बनता है कि समाज में समरसता के लिए, समाज में संरक्षण के लिए, समाज में समन्वय के लिए आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और उस व्यक्ति को भी मैं कहना चाहूंगा, अगर वो माई का लाल अगर उसने दूर भी आया तो सीधे चैलेंज करें। उस दिन क्यों नहीं आया था जब क्षत्रिय समाज सड़कों पर था, उस दिन आते तो उनको पता लगता कि हम लोग क्या है, कौन है और हम लोगों को क्या जीत रहा है। हम लोग मरने से डरते नहीं है, अगर हमारे मान सम्मान संरक्षण और हमारे अस्मिता को
किसी ने ठेस पहुंचाई तो फिर लोग हम लोग परिणाम चिंता नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।